पावर पेरेंटिंग नाम का एक सेमिनार मैं लेता हूं और अक्सर देखता हूं उसके बाद कि पेरेंट्स की कतार लग जाती है। हर पेरेंट ये जानना चाहता है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे विशिष्ट हो सकें, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकें। साथियों, पहले तो ये समझें कि आपका बच्चा एक प्रोडक्ट नहीं है। आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, पेंटिंग में अच्छा हो, वो टाइम पर खाना खाए, धूप में ना खेले, स्कूल जाए, बड़ों का आदर करे, ड्राइंग अच्छी बनाए, वो कविताएं अच्छी गाए, सब कुछ वो अच्छा करे। ये आपका बच्चा है, क्या कोई ये प्रोडक्ट है या कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है कि आपने एक एक करके एंट्री डाली, हाँ भाई बच्चे में ये चाहिए, हाँ भाई बच्चे में ये चाहिए, हाँ भाई बच्चे में वो चाहिए, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स उस बच्चे में आ गए। कोई दवाई की बोतल है जिसके ऊपर लेबल लिखा रहेगा कि मेरे बच्चे में ये होना चाहिए। मैं आज हर माता पिता को एक चेतावनी देना चाहता हूं, वो ये कि आपका बच्चा एक प्रोडक्ट नहीं है, वो यूनिक है। उसको हर चीज में श्रेष्ठ मत बनाइए, उसकी किसी एक दो क्वालिटी को नर्चर करिए। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो हो सकता है डिबेट में अच्छा हो, वो हो सकता है किसी और चीज में अच्छा हो। अपने बच्चे में हर किसी के थोड़े 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 गुण डालने की कोशिश मत करिए। अपने बच्चे के भीतर झांकिए, एक दो काम ऐसे जरूर होंगे जिनको वो बहुत पसंद करता है, जिनको करते वक्त वो समय नहीं देखता, वो काम शायद उसकी जिंदगी हो सकती। अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ माहौल दीजिए, सर्वश्रेष्ठ एनवायरमेंट दीजिए। अपने बच्चों को दुनिया के महानतम लोगों को सुनने का मौका दीजिए। उनको बड़े से बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ले जाइए, सेमिनार्स में ले जाइए, उनको गिफ्ट्स में बुक दीजिए, बुक पढ़ने पर रिवार्ड दीजिए, उनको दुनिया की हर बेस्ट प्रैक्टिस से एक्सपोज करिए। बस इतना ही आपका दायित्व है। अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर मत ला दिए। एक एक दो दो नंबर यदि उनके कम हो जाते हैं तो उस एक दो नंबर के लिए टेंशन मत लीजिए, उनकी जिंदगी को हलाकान मत करिए, उनको हैरस मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चे को किसी की फोटोकॉपी मत बनाइए, उसको यूनिक रहने दीजिए। करोड़ों की जमीन, उसकी रजिस्ट्री की कीमत जिसकी करोड़ों है, उसकी फोटोकॉपी की कीमत चंद रुपए रहती है। किसी की फोटोकॉपी मत बनाइए, उसको ओरिजिनल रहने दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल रहने में उसकी वैल्यू है। यदि जिस चीज को वो प्यार करता है उस चीज को वो अपना कैरियर बना लेगा तो आजीवन वो उस कैरियर के साथ न्याय करेगा। हर माता पिता को पहले आपस में बैठ के ये तय करना चाहिए हम अपने बच्चों का कैसा पालन पोषण करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि पिता बहुत सहयोग दे रहा है, पिता बहुत ओपन माइंडेड है लेकिन माता बहुत नैरो माइंडेड है। कहीं ऐसा ना हो कि माता बहुत प्रोएक्टिव है लेकिन पिता बहुत नैरो माइंडेड है। दोनों मिलकर तय करिए। मैं आज तीन क्रांतिकारी प्रश्न आपको दे रहा हूं जो मैंने अपनी पुस्तक पावर थिंकिंग में पूछे और जिस पुस्तक ने दुनिया में तहलका मचाया। तीन क्रांतिकारी प्रश्न। प्रश्न एक, आपके अंदर ऐसी कौन सी तीन खूबियां हैं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी तीन खूबियां हैं? हो सकता है आपके अंदर 3000 खूबियां लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ तीन खूबियां। तो पहला प्रश्न, आपके भीतर ऐसी कौन सी तीन खूबियां हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, आपके भीतर ऐसे कौन से तीन दोष हैं जो आप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते? कौन से तीन दोष हैं जो आपके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? और याद रखिए, यदि मेरे प्रश्न के जवाब में आपको एक भी दोष नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब आप में ढेर सारे दोष हैं, इसका मतलब आप ही प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से तीन गुण हैं जो आपके भीतर नहीं है लेकिन आप अपने बच्चे में देखना चाहते? जिस दिन आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे आपको अपने बच्चों का पालन पोषण करने का फ्रेमवर्क मिल जाएगा। आप मेरे प्रोग्राम पावर पेरेंटिंग में जरूर हिस्सा लें और जाने क्रांतिकारी तरीके जिससे हम आज के इस युग में बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, क्योंकि जिस काम को आप दिन में 12-12 घंटे लगाकर भी नहीं कर सकते वो कुछ खास तरीके से आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। तो साथियों, पावर परवरिश की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।